स्वामी जी, स्वामी जी स्वामी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पाप किसे कहते हैं और पाप की परिभाषा क्या है? गुरु जी शायद माइक बंद है। जी, बंद ही था। हाँ बिदुषु, तुमको बताना हो तो तुम्हें बता दो, जो इन्होंने पूछा है। चर्चा होनी चाहिए ना, लोगों के विचार आएंगे तभी तो बात पूरी सही से हो पाएगी। बोलो। हाँ भाई विदुषी, बोलो, इन्होंने जो पूछा है पाप क्या है बताओ। गुरु जी आप ही बता दीजिए। हाँ भाई प्रतिभा जी, आप जुड़ गए हैं, स्वागत है। अभी एक साथी ने प्रश्न किया है कि पाप क्या है, आप कुछ बताएंगे? बोलिए प्रतिभा जी। प्रणाम गुरु जी, आप मुझे बोल रहे हैं? जी, आपको ही बोल रहे हैं। एक प्रश्न आया है, पाप क्या है, आप इस पर कुछ कहना चाहें तो स्वागत है, बताइए। देखिए, हर वो चीज जो न्याय संगत ना हो, नीति विरुद्ध हो, धर्म विरुद्ध हो, मुझे ऐसा लगता है वो पाप ही है। अब आगे तो आप मार्गदर्शन कीजिएगा। नहीं, ठीक कहा आपने। ये सापुत्र जी, बात समझ में आई? जो जी कुछ स्वामी जी, अनुचित है, अनैतिक है, वो पाप है। जिससे किसी और को अनावश्यक कष्ट हो वो पाप है, ठीक है ना? ओम। जी स्वामी जी, और कोई प्रश्न हो तो चर्चा को आगे बढ़ाएं। प्रतिभा जी, विदुषी जी, कोई प्रश्न हो तो बताइए। पंडित नवीन चंद्र जी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। गुरु ये जी मुझे एक चीज का सटीक उत्तर चाहिए। धर्म क्या है? धर्म क्या है? ये नवीन चंद जी, क्या आप बोलना चाहते हैं इनके इस प्रश्न पर, धर्म क्या है, तो बोल सकते हैं, बोलिए। या कोई और आपका प्रश्न है बताइए ना, बोलिए नवीन जी। जी नवीन जी, आपने हाथ उठाया है तो कुछ बोलना चाहते हैं क्या? नवीन जी, कुछ बताएंगे? मैं टिप्पणी करूं स्वामी जी। बोलिए। धर्म है प्रभु की समस्त आज्ञाओं का पालन करना, धर्म है वेदों में जो कहा गया है उसका पालन करना। तो नवीन जी कुछ नहीं बता रहे हैं, चलिए हम प्रयास करते हैं। जिन्होंने बताया वो भी ठीक है। धर्म शब्द सामान्यतः हम कहते हैं, धार्यते अनेन इति धर्मा, यद धार्यते तद्धर्मा, या धार्यते सधर्मा। जो कुछ धारण किया जाए, जो कुछ धारण किया जाना चाहिए वह धर्म है। जिसके द्वारा इस सृष्ट समाज को धारण किया जाता है उस व्यवस्था का नाम धर्म है। पहले भी बात आई है, धर्म वास्तव में प्राकृतिक
शक्तियों में तो ये भी है कि जो उसका मूल गुणकर्म स्वभाव है वो धर्म है, जिसको वो छोड़ ही नहीं सकता, अलग नहीं हो सकता। उष्णता अग्नि का धर्म है, उष्णता विहीन अग्नि संभव नहीं है, ये उसका धर्म है। तो ये हम लोग पढ़ते भी हैं, अभी भी पढ़ाया जाता है, विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं के गुण धर्म रसायन शास्त्र में हम लोगों ने पढ़ा, जल के गुण धर्म, अन्न ऑक्सीजन हाइड्रोजन आदि के गुण धर्म हम लोगों ने पढ़ा, प्रॉपर्टीज कहा अंग्रेजी में उसे, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज, गैस आदि पदार्थों के गुण धर्म। तो गुण धर्म का अर्थ वह हुआ कि जो उसका मौलिक स्वभाव है, जो मौलिक गुण है वो उसका धर्म है, उसको वो धारण करता है। धर्म शब्द बनता है धृ धातु, जिसका अर्थ है धारण करना, तो जो कुछ धारण करता है वही धर्म है। तो विशुद्ध प्राकृतिक रूप से तो धर्म वो है जिसको वो धारण करता है, जिससे वो अलग हो ही नहीं सकता। अब व्यवहार में मानव समाज के संचालन के लिए कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बना ली जाती हैं जिससे पूरा समाज व्यवस्थित रूप से चल सके, कि भाई एक दूसरे के साथ हम अच्छा व्यवहार करें, नैतिक व्यवहार करें, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें। तो यदि एक दूसरे के साथ हम सही व्यवहार उपचार करते रहें तो समाज की व्यवस्था ठीक चलेगी। यदि एक व्यक्ति कुछ अनुचित करता है तो दूसरा उसके प्रतिकार में भी उसके साथ वैसा ही करना चाहेगा, तो धीरे धीरे समाज की व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो इसके लिए कुछ व्यवस्था बना दी जाती है, उसे भी हम धर्म कहते हैं। तो जो भी भैया ने कहा कि वेद को हमने मानव के संविधान के रूप में स्वीकार किया, वेद ईश्वरी वाणी है, प्राचीनतम हमारा धर्म ग्रंथ है, जिस रूप में भी हम उसको सम्मान देते हैं, उसका प्राचीनतम ग्रंथ है, हम सम्मानते ही हैं। तो कह लीजिए कि वेद को हमने इस प्रकार से धर्म की संहिता के रूप में स्वीकार किया, तो जो वेद के अनुकूल है उसका पालन करना धर्म है, अर्थात वेद में जो कार्य करने को कहा गया है उसको करना धर्म है, और वेद में जिन कार्यों को करने से रोका गया है उसको न करना धर्म है। यदि तो किसी कार्य से रोका गया है उसे हम करते हैं तो ये धर्म नहीं है, धर्म हो जाएगा। यह एक व्यवहारिक व्यवस्था। आपातकाल में कुछ विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, समाज में समय समय पर विशेष प्रकार के ऐसे नियम व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, दीर्घ काल में आवश्यक होने पर उनमें परिवर्तन भी किया जाता है। तो धर्म के ये तीन स्तर हो गए, समझ लें बात पूरी हो जाएगी। एक तो प्राकृतिक धर्म है, जो प्रकृति का धर्म है, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है, सूर्य है तो तब तक उससे ऊष्मा और प्रकाश मिलता रहेगा, यदि ऊष्मा और प्रकाश वहां से समाप्त हो जाए तो प्रोसेस सूर्य कहना ही कठिन हो जाएगा। अग्नि है तो उष्णता होगी, प्रकाश होगा, जो भी होगा, ये उसका गुण धर्म है। एक तो बिल्कुल प्राकृतिक गुण धर्म है जिसमें परिवर्तन संभव ही नहीं है। दूसरा ये है कि समाज को व्यवस्थित चलाने के लिए जिन नियमों का हमें पालन करना चाहिए वो धर्म है। अब ये जो समाज की व्यवस्था के लिए नियम बनाए वो हमने कुछ बना लिए कि हाँ भाई इससे समाज ठीक चलेगा, तो उसमें एक आपद धर्म होता है। विशेष परिस्थिति में सामान्यतः हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसक व्यवहार करना चाहिए, परंतु अति अहिंसक आदताई है, बहुतों की हिंसा करने पर उतारू हो तो ऐसे की हिंसा करना भी धर्म हो जाता है, या आपद धर्म कहलाता है। तो इस प्रकार से हम समझें कि धर्म को इन तीन चरणों में हम समझ सकते हैं तो धर्म की बात पूरी हो सकती है। ओम। जी बताएं, और आगे जो भी कहना है आपको बात समझ में आई होगी। धन्यवाद गुरु जी। निरंकार जी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। कोई प्रश्न हो विचार हो तो रख सकते हैं, पहले भी जुड़े हैं आप, स्वागत है, बोलिए।
जी कोई सवाल नहीं है। ये किसी का भी कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो तो रख सकते हैं, ये तो स्वामी सब जी, जानते हैं जी। स्वामी जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सत्य किसको कहते हैं, सत्य की डेफिनेशन क्या है? सत्य का अर्थ ये जो कुछ है अस्तित्व तो है जिसका वो सत्य है, जो नहीं है उसे आप कहते हैं ऐसा है तो असत्य है। स्पष्ट है जो है वो है, सत्य का यही अर्थ है कि वो अस्तित्व है उसका, वही सत्य है। हम आप हैं ये सत्य है, और कोई कहे कि नहीं यहाँ कुछ ऐसा है जो दिख नहीं रहा है लेकिन है, आप छू नहीं सकते अनुभव नहीं कर सकते लेकिन है, तो ये असत्य बात हो गई। जो है नहीं उसको कहना कि है ये असत्य हो गया, और जो है वो तो है ही, वो सत्य है। ठीक स्वामी जी, सत्य का पालन करने वाली बात आती है, इसका मतलब क्या होता है सत्य का पालन करना? उसका यही अर्थ है कि जो है उसको यथावत स्वीकार किया जाए, अपनाया जाए, जो हम कहें, जो हमने कह दिया वह सत्य है ना, तो उसका अनुपालन किया जाए। हमने अभी कोई बात कही फिर हम उससे पीछे हट गए तो यह असत्य हो गया। तो सत्य का पालन यही है कि जो कुछ हम कहते हैं उस वचन को निभाया जाए, उसका पालन किया जाए, यही सत्य का पालन करना है। और जो जैसा है उसको वैसा ही कहा बताया जाए, ये सत्य का पालन करना है। जो नहीं है उसको हम कहें आप मुझसे कभी मिले नहीं, और हम कहने कि हम आप रोज मिलते हैं, तो यह सत्य हो गया। सत्य का पालन यही है कि हम सत्य बता दें कि भाई हमारा आपका जो भी संबंध है जितना है तो है या तो नहीं है। जी प्रतिभा जी बोलिए। ओम गुरु जी, इसी विषय पर थोड़ी सी अपना बात रखना चाहूंगी, फिर आगे आप उस पे अपना मार्गदर्शन दीजिएगा। ऐसे कहते हैं कि इट ऑलवेज टेक्स टू टू स्पीक द ट्रूथ, मतलब हमेशा दो लोगों की आवश्यकता है। आपने कुछ कह दिया तो वो सत्य है ये जरूरी नहीं, जब तक कि जिससे आप ये बात कह रहे हैं वो इस बात को एक्सेप्ट करे, माने हाँ ये बात सही है, तभी वो पूर्ण सत्य होगा, अन्यथा वो तो अर्ध सत्य हो गया। आपने कह दिया लेकिन हमने माना ही नहीं, तो वो अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य तभी होगा जब वो अगले को आप मनवा सके कि ये सत्य है, वो माने, वो उस बात पर हामी भरे कि हाँ ये सत्य है। यह बात तो ठीक नहीं लगती। जो सत्य है वह तो रहेगा ही। हमने कहा भाई सूर्य का प्रकाश है यह सत्य है। अब कोई आंख बंद किए अंधेरे कमरे में बैठा हो कहता मैं तो नहीं मानता सूर्य है, तो यदि वो नहीं मानता तो इससे इस सत्य को नकारा तो नहीं जा सकता। जो सत्य है वो निरपेक्ष है, सत्य व्यक्ति के सापेक्ष नहीं होता। कोई उसे माने या ना माने सत्य इस पर निर्भर नहीं करता। सत्य है तो है, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। कोई हठधर्मी से कहे कि हम तो नहीं मानते, है ना, हम आप बैठे हैं और कहने के नहीं हम तो मानते नहीं, आप होंगे सामने हैं, हम आपको स्वीकार ही नहीं करते, तो फिर तो वो बात ठीक नहीं होगी ना। सत्य निरपेक्ष है, सत्य कहीं से किसी व्यक्ति के सापेक्ष नहीं है, किसी को मानना ही पड़े। जिसको मानना है माने, ना मानना है ना माने। कोई नहीं मानता कि अग्नि में उष्णता है, वो ना माने, उसको अग्नि से छुआ दीजिए, मान लेगा, फिर भी ना माने तो उसकी इच्छा है ना माने, सत्य तो रहेगा। इसी बात सुनना चाहती थी आपके मुखमंडल से गुरु जी, कि उसे उस चीज का अनुभव करवा दीजिए, यदि वो नहीं मानता है तो फिर वो मानेगा। धन्यवाद गुरु जी। हाँ, अब अनुभव करवाने की बात है, उसमें एक बात और होती है कि कहते हैं जो व्यक्ति गहरी निद्रा में भी है तो हम प्रयास करके उसे जगा सकते हैं, और जो जागते हुए सोने का अभिनय कर रहा है, जग रहा है परंतु आंख बंद किए इस तरह पड़ा है कि नहीं हम तो सो रहे हैं, आप चाहे जितना प्रयत्न कर लें वो जगेगा ही नहीं। तो अनुभव कराना सबको इतना सरल या संभव नहीं है। यदि कोई नहीं ही अनुभव करना चाहता है तो ना करे। सत्य फिर भी निरपेक्ष है। यदि कोई अनुभव नहीं कर पा रहा है किसी कारण से, मान लीजिए
थोड़ी देर के लिए कोई व्यक्ति नेत्रहीन है और वो दृश्य वो नहीं देख पा रहा है, सक्षम ही नहीं है, संभव ही नहीं, तो इसका भी अर्थ नहीं है कि वो सत्य को नकारा जा सकता है कि प्रकाश है या कोई वस्तु उपस्थित है, व्यक्ति उपस्थित है, वो अनुभव नहीं कर पा रहा है, वो सामर्थ्य उसमें नहीं है। मान लीजिए हम बहुत प्रयास करें नहीं संभव है, तो किसी दूसरे के अनुभव करने या मानने पर सत्य निर्भर नहीं है, सत्य निरपेक्ष है। हम किसी अन्य व्यक्ति को अनुभव कराने का, मानवाने का प्रयत्न तो कर सकते हैं, परंतु ये उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि उसकी शक्ति सामर्थ्य भावना इच्छा उसे मानने की कितनी है या नहीं है। कुछ लोग हठधर्मी पर हैं, सब कुछ जानते समझते हुए भी नहीं मानते, कुछ लोगों में उस सत्य को समझने की सामर्थ्य ही नहीं है, इसलिए नहीं समझ पाते। सत्य फिर भी रहेगा, हम ये कहना चाहते हैं सत्य निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है। ओम। जी आगे चर्चा को बढ़ाते रहें, जिसके जो भी भाव विचार हो, प्रश्न हो तो रखें, बोलिए। ओ आज जुड़े तो बहुत लोग नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं आप लोग चर्चा करें। हाँ बिरसी बोलो जी। गुरुजी मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमारे शास्त्रों में तो कहते हैं कि स्त्री ब्रह्मचारी आजीवन रह सकती है, लेकिन फिर ये भी क्यों कहा जाता है कि स्त्री को नहीं रहना चाहिए आजीवन ब्रह्मचारी? ये आपने कहां सुन लिया, कहां पढ़ लिया? दोनों ही बातें मैंने कहीं नहीं पढ़ी। आजीवन ब्रह्मचर्य रह सकता है और नहीं रहना चाहिए, ये दोनों ही बातें मेरी जानकारी में कहीं वेद सम्मत नहीं है। रह सकता है कि जहां तक प्रश्न है, कोई व्यक्ति कैसे रहना चाहता है ये उसकी इच्छा पर है, भाई कोई रह सकता है, उसकी इच्छा है वो रहे, और कोई नहीं रहना चाहता है तो ना रहे। इसमें तो वेद ने कहीं कोई निषेध नहीं किया है कि आपको रहना ही पड़ेगा या आप नहीं रह सकते हैं, तो ऐसा तो कोई नियम नहीं है वेद में। हम यही कह सकते हैं जिसकी जैसी इच्छा हो, जिसकी जैसी परिस्थितियां, गुणकर्म स्वभाव उसका हो, जैसी जीवन की दिशा हो, उसके अनुसार वो अपना जीवन जिएगा। किसी को किसी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, न तो ब्रह्मचर्य रखने के लिए और न तो न रखने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए। ओ जी गुरु जी। के लिए हम थोड़े से लोग हैं आज, संयोग से किसी कारण से लोग नहीं जुड़े हैं, तो जो भी है चर्चा कर लीजिए, जो भी संभव है। निरंकार जी आप भी कुछ बोलें, जो भी हो, बहुत समय के बाद आप जुड़े हैं, कुछ प्रश्न आपके मन में होंगे अवश्य, तो बोलिए, चर्चा करते हैं। स्वामी जी हाँ बोलो। सत्य तो ठीक है स्वामी जी कि हमको जैसा है, जो जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही बोलना है, लेकिन वो भी कहते हैं ना स्वामी जी कि हमको हमेशा मधुर सत्य ही बोलना चाहिए, ऐसी मतलब सत्य नहीं बोलना चाहिए कि वो सामने वाले को पीड़ा दे, तो मधुर सत्य ही बोलना चाहिए ना स्वामी जी? देखिए इसको संदर्भ से समझना पड़ेगा, फिर मैं कहूंगा वेद में ऐसा कोई नियम नहीं बताया गया है। सत्य जो है वो हमें बोलना है, मुख्य बात यह है कि हमें सत्य बोलना है। जो निषेध किया गया है कट सत्य बोलने का, उसकी स्थिति को हमें समझना। हमारा उद्देश्य सत्य बोलना है, यदि सत्य को प्रकट करना है उचित अवसर पर, तो हम सत्य को इसलिए नहीं छिपाएंगे कि यह किसी को कटु लगेगा, है ना? किसी को प्रसन्न करने के लिए हम असत्य तो नहीं बोलेंगे कि भाई यहाँ पर सत्य बोलेंगे तो ये प्रसन्न हो जाएंगे, इनको कटु लगेगा तो मत बोलो। हाँ वह अलग विषय है कि हमें लगता है यहाँ पर यदि हमने सत्य बोला तो यह व्यक्ति मेरी हत्या कर देगा,
मौन रहिए, शांत रहिए, मत बोलिए, यहां तक तो ठीक है। भाई हमारी प्राण रक्षा हो, उसके बाद ही हम सत्य का पालन कर पाएंगे। पृथ्वी में प्राण देने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। हाँ, कट सत्य बोलना वहां निषेध है कि हमारा उद्देश्य सत्य बोलना नहीं है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, समाज में उसका बहुत सम्मान हो रहा है, और किसी को उससे केवल ईर्ष्या हो रही है, आपके किए तो कुछ हो नहीं रहा है, आपने कभी कुछ अच्छा कार्य किया नहीं तो आपको कहीं कोई सम्मान मिला नहीं। एक व्यक्ति अच्छे अच्छे कार्य करता है, उसका सम्मान हो रहा है। अब आप अपनी इस ईर्ष्या बस वहां पहुंच गए और आपने कहना प्रारंभ किया, अरे भाई इन्होंने भी वहां पर कभी ऐसा कुछ किया था, बचपन में एक बार सत्य बोला था, बचपन में घर में एक लड्डू चुरा कर खा लिया था, तो आप सत्य नहीं बोल रहे। भले ही आप कहें कि मैंने जितना कहा वो शब्दशः सत्य है, बचपन में इन्होंने एक बात असत्य भी बोली थी, एक बार घर में लड्डू चुरा कर भी खा लिया था, एक बार उन्होंने बचपन में बच्चों के बीच कुछ विवाद झगड़ा हुआ तो इन्होंने कुछ अपशब्द भी बोल दिया था, तो आपके पास शब्दशः सत्य तो हो सकती है, परंतु उसका उद्देश्य क्या है? वह आपकी कुंठा, आपकी ईर्ष्या है, वहां जो विषय चल रहा है, कितने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, उसका सम्मान हो रहा है, और उससे ईर्ष्या, बस आप अनावश्यक ऐसी बात वहां कह रहे हैं जिसका वहां कोई प्रसंग, कोई अर्थ ही नहीं है। भाई हम सभी मनुष्य हैं, बचपन से अब तक मुझसे भी जाने अनजाने ऐसे कुछ भूल चूक हुई ही होगी। अब हम यहाँ वेद चर्चा कर रहे हैं, आप हमारी वेद की बात गंभीरता से सम्मान से सुन रहे हैं, और किसी को ये बात अच्छी न लगे, वे बीच में आकर के कुछ ऐसी बात कहना प्रारंभ कर दे, बोले भाई मैं तो सत्य कह रहा था, तो वास्तव में ये सत्य नहीं है, ये सबसे बड़ा असत्य कह सकते हैं कि शब्दशः तकनीकी रूप से भले ही वो जो कह रहा है वो सत्य ही क्यों ना हो, परंतु उस प्रसंग से, उस बात से यहाँ उसका क्या संदर्भ है। हाँ, जब उस व्यक्ति की हमारी आप पूरी जीवनी लिखें, कोई हमारे बचपन से मित्र है, साथी जुड़े हुए हैं, यदि वो हमारा जीवन चरित्र परिचय लिखें, ईमानदारी से हमारे सारे कार्यों का विवरण दें, तो संदर्भ में वो कहीं इसका उल्लेख भी कर दें कि हाँ भाई हम सब सामान्य मनुष्य हैं, बचपन में हम लोग ऐसे साथ में पढ़ते थे, खेलते थे, लड़ते झगड़ते भी थे, तो कुछ ऐसी बातें भी हो जाती थी, तो वो कहने में तो कोई हानि नहीं कह सकते हैं, उस सत्य को अभिव्यक्त कर दिया। उसमें ये भी कहा गया है कि मित्र के छिपाने योग्य बातों को छिपाया जाए, ऐसी बातों का व्यक्ति के पूरे जीवन के इस बड़े कार्य में क्या संदर्भ है, उसकी चर्चा न करें तो भी बात पूरी हो जाएगी, फिर भी यदि कर भी दें तो कोई बात नहीं, आपने सत्य किया, लेकिन वहां एक अच्छे कार्य में बाधा डालने के उद्देश्य से कि आप एक अच्छे, आप ऐसे व्यक्ति से वेद की चर्चा कर रहे हैं जिसने बचपन में कभी एक बार असत्य बोला था, या हमसे कोई झगड़ा विवाद हुआ था तो अपशब्द भी बोले थे, तो ऐसे व्यक्ति से आप वेद की बात क्यों सुन रहे हैं? आपका उद्देश्य है वेद के कार्य में बाधा डालना, तो वह पाप है, वह सत्य नहीं है, वह पाप है, ये मैं दृढ़ता से कहना चाहता हूं। ऐसे को कहा गया है कि ये कटु सत्य या अनुचित सत्य बोलना आपका उद्देश्य ही अनुचित है, वो निंदनीय है, नहीं बोलना चाहिए, परंतु जो वास्तव में सत्य है तो उसको बोलने में, तो केवल इसलिए हम सत्य को छिपाएं कि किसी व्यक्ति को वो कटु लगेगा और वो समाज के हित में है, वास्तविकता है, वो सत्य है तो है, किसी अपराधी को कहीं सम्मानित किया जा रहा है तो हम बिल्कुल कहेंगे कि भैया ये तो अपराधी है, इसने कभी कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं, आप इसको भयवश सम्मानित कर रहे हैं, या आपका कोई स्वार्थ है, इससे कुछ लाभ उठाना चाहते हैं, इसलिए आपने इसे मंच पर प्रतिष्ठित कर दिया है, तो ये सत्य बोलना साहस का कार्य है, इस सत्य को बोलना चाहिए, भले ही वहां आयोजकों को कितना भी कटु लगे, लगे तो लगता रहे, ऐसा कटु सत्य तो हम कहते रहेंगे, इसको इस संदर्भ में हमें समझना चाहिए। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। मतलब यदि कटु भी लगे तो भी सत्य बोलना चाहिए ना स्वामी जी, मैं एक बार कन्फर्म करना चाहता हूँ।
की, यही मैंने कहा, सारे अवसर स्पष्ट किए, उद्देश्य क्या है, महत्वपूर्ण यह है सत्य बोलने का। यदि सत्य की रक्षा का उद्देश्य है तो किसी को कट लगे तो लगता रहे, और यदि हमारा उद्देश्य किसी अच्छे कार्य में विघ्न डालना है तो वो सत्य नहीं है। आपका उद्देश्य सत्य बताना नहीं, वास्तव में एक अच्छे कार्य में विघ्न डालना है, तो वो पाप है, अपराध है, स्पष्ट है, इसको समझ। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते। ये जो मोक्ष की अवधारणा बताई गई है उसमें आर्य समाज के लोग भी बताते हैं, तो ये क्या सत्य है और ये कितनी अवधि के लिए होता है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। देखिए, मुझे वेद में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं मिला कि इस प्रकार का मोक्ष कैसे प्राप्त होगा और कितनी अवधि के लिए होगा। क्योंकि वेद में नहीं मिला इसलिए ये प्रामाणिक सत्य नहीं है मेरी दृष्टि में, कोई इससे सहमत या असहमत हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए तो वेद ही परम प्रमाण है और कोई प्रमाण हम मानते नहीं। वेद में ऐसे कोई मोक्ष की अवधारणा नहीं है कि क्या करने से, कैसा करने से मोक्ष प्राप्त होगा और कितनी अवधि के लिए प्राप्त होगा, तो हम तो इसे नहीं मानते। हमारा मानना है कि मोक्ष का शाब्दिक अर्थ है मुक्त होना, छुटकारा पाना, आप दुख चिंता तनाव से मुक्त हो लें, इस संसार से अनुचित लगाव से मुक्त हो लें, अनावश्यक संसार के जंजाल में जो आप फंसे हैं मानसिक रूप से उससे मुक्त हो लें और प्रसन्नता पूर्वक स्वस्थ सानंद जीवन जिए, आप भी अनावश्यक चिंताओं तनावों से लगाव से मोह से, जिसे कहते हैं माया मोह से मुक्त हो जाना। तो मुक्त और मोक्ष एक ही शब्द है, यह मैं स्पष्ट कर दूं, मुच धातु है, मुक्त होना, मोचन होना, मुच से मोचन शब्द आपके समझ में आ सकता है, इसी मुच से मुक्त बनता है, इसी मुच से मोक्ष भी बनता है। तो मुक्त और मोक्ष होने का एक ही अर्थ है, किसी से छुटकारा पा लेना, मुक्त हो जाना, परिहास ही समझें। कुछ स्मृति ग्रंथों में कहा गया है, एक प्रश्न आया है कि सनातन धर्म के पद्धति में विवाह से छुटकारा पाना, जिसे समय डाइवोर्स तलाक कहा जाता है, ये संभव है या नहीं। तो कुछ स्मृतियां कहती हैं मोक्ष संभव नहीं है, कुछ स्मृतकारों ने कहा है मोक्ष हो सकता है, अर्थात विवाह का संबंध विच्छेद जिसे समय तलाक या डाइवोर्स कहते हैं उसको स्मृतियों में मोक्ष कहा गया है। मोक्ष का अर्थ है छुटकारा पाना, उस विवाह संबंध से आप छुटकारा पा गए, इसके लिए भी मोक्ष शब्द का प्रयोग स्मृति ग्रंथों में हुआ है, ये सत्य है। तो मोक्ष का अर्थ है छुटकारा पाना, आप दुखों कष्टों से, तनाव से, चिंताओं से, व्यर्थ के माया मोह की भावना से छुटकारा पा लें, यही मोक्ष है, जहां तक मैं समझ पाया हूँ। वेद में इतने दीर्घ समय के लिए जीवात्मा के तथा कथित मोक्ष की कोई चर्चा नहीं है, ऐसे विवाद में, ऐसे भ्रम में हमको नहीं पढ़ना चाहिए। मैं कहूंगा इससे आप मोक्ष प्राप्त कर लें, इस भ्रम से मुक्त हो जाएं, इस भ्रम से मोक्ष प्राप्त कर लें, ये हमारी भावना है, आपके लिए शुभकामना है। ओम जी। मुक्त होने के बाद जब मृत्यु हो जाती है, फिर जीवन में मुक्त हो गए, और मृत्यु के बाद भी क्या जन्म लेंगे, तो फिर दोबारा से मुक्त होना पड़ेगा हमको ज्ञान के द्वारा या किसी और मार्ग के द्वारा? देखिए, जीवन है तभी बंधन है और तभी उससे मुक्त होने की बात है। जब जीवन ही नहीं है तो निर्जीव का क्या बंधन और क्या मोक्ष। जब जीवन है तभी हमारा सांसारिक लगाव होता है, माया मोह होता है, तभी दुख कष्ट चिंता तनाव होते हैं, उससे हमें मुक्त होना होता है। तो जब तक जीवन है तभी तक बंधन है और तभी तक मुक्त होने की भावना है। जीवन समाप्त तो सब कुछ स्वतः समाप्त, सारी समस्या, सारे सुख और दुख सबसे मुक्त हो गया। जब जीवन ही समाप्त हुआ, जीवन से मुक्त हो गए, तो सारे दुख चिंता तनाव से अपने आप मुक्त हो गए, महामोक्ष हो गया। किसी काल्पनिक मोक्ष की चर्चा हम नहीं करते, यही मैंने कहा है और स्पष्ट कर दिया, यदि आप समझ गए हो, अन्यथा कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, स्वागत है। ओम
ये जो लोग आत्महत्या करते हैं तो इसका मतलब ये यही सोच के करते होंगे कि हम मुक्त हो जाएं। देखिए, आत्महत्या कोई व्यक्ति क्यों करता है ये एक अलग शोध का विषय है। जैसे कुछ लोग अलग प्रकार की बातें करने लगते हैं तो मैं ही कह देता हूं कि बताइए, हमारे पास निवास भोजन की व्यवस्था नहीं है तो आप क्या कहना चाहते हैं, हम आत्महत्या करें या भूख से मरें, क्या उचित होगा? तो जब व्यक्ति का जीवन निर्वाह करना असंभव जैसा लगे उसे कि अब जीवन की रक्षा का हमारे पास कोई साधन नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, निवास की व्यवस्था नहीं है, या मान लीजिए उसके पास धन वैभव बहुत है तो वो अपने ही बुने जाल में इस तरह फंस गया है कि रहना तो उसे इस समाज में जीवित रहेगा तो जो उसके आसपास लोग हैं उन लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, उस समाज में उसे रहना पड़ेगा। अब उसको लगता है इन लोगों के बीच हम कैसे रह सकते हैं, इतना हमने जो जंजाल फैलाया था, कह लीजिए पोल खुल गई है, तो अब वो इस आत्मग्लान में आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने के मेरे विचार से यही दो प्रमुख कारण हैं। और कह सकते हैं बच्चों में, बच्चे का आशय केवल आयु से नहीं है, बहुत से लोग हमसे अधिक आयु के होकर भी बच्चे हो सकते हैं, बौद्धिक और मानसिक भावनात्मक रूप से वे बच्चे हैं, तो इसे बचपना ना समझी कह सकते हैं, वो जीवन के कट सत्य का, कठिनाइयों का, जीवन की वास्तविकता का सामना नहीं कर सके तो पलायन कर लिया। इन कारणों से मेरे विचार से लोग आत्महत्या करते हैं, या मोक्ष जैसी कोई भावना तो नहीं लगती। जब तक व्यक्ति का जीवन सुचारू रूप से सुखमय चल रहा होता है तब तक वो आत्महत्या की बात नहीं सोचता, जब उसका जीवन कठिन हो जाता है तभी वो उस दिशा में विचार करता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। शेष आपको या अन्य लोगों को जो भी लगता हो वो। मेरा कथन आत्महत्या के संबंध में मुक्ति के संबंध में था, जो मुक्ति की बातें बताई गई थी कि सब चीजों से मुक्त हो जाना। अब एक चीज मृत्यु के बाद भी मुक्ति है आपने बताया था, और एक बताया आपने आप इन दुखों से कष्टों से मुक्त हो जाएं, सुख पूर्वक रहें तो भी मुक्ति है। तो इस संबंध में थी आत्महत्या वाली जो बात मैंने कही थी। आत्महत्या से मुक्त का कोई अवधारणा नहीं है। ये सत्य है कि ये दुख कष्ट चिंता तनाव राग द्वेष सुख दुख तभी तक है जब तक जीवन है, और जीवन में जब तक सुख आनंद पर्याप्त है तब तक कोई आत्महत्या क्यों करेगा, इससे मुक्त क्यों होना चाहेगा? जब दुख कष्ट तनाव चिंता इतना अधिक हो जाए कि जीवन कठिन हो जाए तभी वो आत्महत्या के बारे में सोच सकता है। तो आत्महत्या मुक्त का साधन नहीं है। वास्तव में जब जीवन यापन बहुत कठिन हो जाए तो उससे छुटकारा पाने का, उसे आप चाहें तो मोक्ष का शब्द दे दें, एक अंतिम उपाय हो सकता है ना। उस काल्पनिक मोक्ष को तो हमने कह सकते हैं कि नकार दिया, उसे हम नहीं मानते। स्पष्ट कहना चाहते हैं किसी को जो भी अच्छा बुरा लगे वो जाने, क्योंकि वेद में ऐसा कुछ नहीं है, तो उस काल्पनिक मोक्ष को तो हम नहीं मानते। आपके जीवन में सुख आनंद रहे, दुखों से चिंता तनाव से आप मुक्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त कर लें, यही हमारी शुभकामना है, हम यही चाहते हैं। आत्महत्या करना कोई अच्छा साधन उपाय तो नहीं है, हम अपने प्रयासों से जीवन में आनंद प्राप्त करें, दुख चिंता तनाव से मुक्त हों, यही उत्तम मार्ग है। मेरे विचार से यही वैदिक मार्गदर्शन है, वैदिक दर्शन, वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृत ने हमको तो यही सिखाया है। से श्लोक क्या समझते हैं वो जाने। ओ कुलकी जी, सीताराम जी जुड़ गए हैं, स्वागत है, तो आप लोग भी चर्चा को आगे बढ़ाएं। बोलो पुलकित, कुछ तो प्रश्न लेकर जुड़े होंगे मुझे ऐसा लगता है।
जी गुरु जी थे प्रश्न, लेकिन अभी स्मरण नहीं है, मैं स्मरण करके पूछता हूँ। हाँ भाई सीताराम जी, कुछ बोलना है आपको, बोलो। तब तक ये सोचते हैं पुलकित जी। स्वामी जी अभी तो अभी तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है। चलो भाई, और किसी को कुछ कहना हो तो चर्चा को आगे बढ़ाते रहें, जारी रखें। तब तक पुलकित जी सोच के बताते हैं। स्वामी जी, जी सायंकालीन चालक। स्वामी जी, क्या एक ब्रह्मचारी को स्त्री स्त्री फ्रेंड बनाना चाहिए कि नहीं, मतलब अपने मित्र बना सकता है कि नहीं? वो अवश्य बनाइए, जितने बन सके बनाइए। हमारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारे हूं जी। धन्यवाद। हम नहीं पूछ रहे हैं कि अभी कितने हैं, आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। हाँ भाई, और आगे बढ़ें, कोई अगला प्रश्न विचार रख सकते हैं। मतलब स्वामी जी, वो मंत्र अपना द्रते द्रहम सर्वाणि भूतानि वाला जो मंत्र है, उसमें सभी लोग आ गए, भले ही वो कोई भी हो, स्त्री पुरुष हो, जो भी हो, सब आ गए ना स्वामी जी? बिल्कुल आ गए। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, सबको मित्र की दृष्टि से देखें, सभी हमारे मित्र हैं जी। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ भाई पुलकित, कुछ सोच पाए हो तो बताओ। निरंकार जी, कुछ आपका प्रश्न आया हो तो आप भी बोलिए, अभी लोगों को चर्चा करनी है। हाँ, जिसका कोई भी प्रश्न हो, कोई बात हो, भी रख सकते हैं, पर्याप्त समय है अभी तो। हाँ, कोई प्रश्न नहीं होगा तो समापन करना पड़ेगा, तो चर्चा आगे बढ़ाते रहें। नताजी होगा, पाठ करो, समापन करो। पुलकित देखो, क्या होनी है पाठ? जी गुरुजी। गुरुजी वो क्या है कि मैं समाज देख रहा था तो मेरे वहां पे कुछ प्रश्न थे, लेकिन अब वो मेरे को स्मरण नहीं है। एक बार मेरे को दोबारा देखना पड़ेगा, तब मैं पूछ पाऊंगा प्रश्न। तो देख लो क्या हो सकता है, कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है तो आगे बढ़ाए, अन्यथा समापन की ओर बढ़ाए, पाठ कर लेंगे, समय है। जी जी गुरु जी, पाठ करते हैं, पाठ कर लेते हैं। जी 2 मिनट में पुस्तक। हाँ पुलकित, तुम मंत्र व्याख्या भी कर सकते हो, एक मंत्र की व्याख्या करो, ये भी ठीक है, समय मिले तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, है ना पुलकित? एक मंत्र व्याख्या रखो, ये हमेशा ध्यान रखो, समय मिले तो उसका सदुपयोग करें, बच्चे आगे बढ़ें, यही तो हम चाहते हैं। जी गुरु जी, अभी देखता हूँ। जी, तो मैं ये
अग्नि सूक्त का नवा मंत्र कर देता हूँ। ये मुझे स्मरण हुआ कि ये बहुत अच्छा मंत्र है, लेकिन इसका इतना अब हमने किया नहीं, सब करते हैं, आगे के मंत्रों का कर देते हैं, ये मंत्र रह जाता है, तो मैं इसका कर देता हूँ। अग्नि सूक्त मंडल प्रथम सूक्त प्रथम ऋग्वेद का, अपने मतलब प्रथम सूक्त है जो वेद का, उसका नवा मंत्र। इसमें ऋषि मधु छंद है, देवता अग्नि, छंद गायत्री, स्वर षड्ज स्वरित। ओम सहन पिते वसूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वान स्वस्तये। तो सह वह यहाँ से देवता अग्नि है, तो अग्नि हम जानते हैं अग धातु है, अग्नि होना तो परमेश्वर का भाव है इसमें। नह हमारे लिए, इसका नकारात्मक अर्थ यहाँ पर उपयुक्त नहीं होगा, तो हमारे लिए ही लेंगे, विसर्ग भी आ रहा है। पितेव, पितेव का अर्थ जानते हैं पितः और एव, पिता के समान। तो पिता क्या कौन होता है, पित धातु, पी धातु सॉरी, जाना चलना पा धातु, रक्षा करना पालन करना, तो जो रक्षा करना और पालन करने का भाव होता है वो पिता में होता है। तो अग्नि हमारे पिता समान है, वो हमारा पालन करता है, रक्षा करता है हमारी। सुनवे में सुधातु जन्म देना, तो उसी ने ही हमें जन्म दिया है, हमारा पालन पोषण भरण पोषण सब वही कर रहा है। अग्ने, अग्ने संबोधन में आया है, हे अग्ने, तो वो अग धातु वही अग्रणी होना परमात्मा के लिए ही आया है। सुपायनो सु उप व अयन, तो ए धातु का क्या अर्थ हुआ, चलना जाना और ध्वनि करना, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जाना चलने का भाव है कि उनके निकट जाना, और ध्वनि करना यानी उनकी वाणी को सुनना, इस अर्थ में भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से सु यानी अच्छा उत्तम, तो उत्तम उनके पास हम जाएं, उत्तम प्रकार से हम जाएं, उनकी वाणी को सुने, वेद को सुने। भव हो, तो अग्नि सुपायन भवो भव, तो अग्नि हमारे पास हो, जैसे कि काव्यानुवाद में लिखा है पिता पुत्र सम अग्नि हो, तो पिता पुत्र को आसपास रहना चाहिए, सीखना चाहिए एक दूसरे से, निकट रहेंगे उतना ही उनसे जुड़ पाएंगे। सचस्वा, तो सचस्वा में सच धातु, पूरा समझना, अच्छी तरह जानना, संबंधी होना, संसर्गी होना, तो इससे आप समझ सकते हैं कि सचस्वा का अर्थ हो गया कि बहुत अच्छे प्रकार से एक दूसरे को जानना। तो पिता पुत्र के लिए या फिर परमेश्वर हमारे लिए जरूरी है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जाने, रित की व्यवस्था को समझे, ईश्वरीय व्यवस्था को समझे, और उसी प्रकार हम अपना जीवन ढालें, उसी प्रकार अपनी दिनचर्या को ढालें, और रित के नियमों का पालन करें, अन्य जो अंधविश्वास वगैरह उसमें उसको ना माने, तो वो परमात्मा की इच्छा के खिलाफ ही होगा। ना ये हमारे लिए हमको इसी अर्थ में आया है यहाँ पर भी। स्वस्थ, तो स्वस्ति क्या हो गया, सु उपसर्ग हो गया, अस धातु हो गई, या फिर स्वस्ति भी मान सकते हैं। स्वस्ति हमने पढ़ा है, स्वस्ति कल्याण करना, कल्याण होना, तो स्वस्ति जो ये स्वस्थ है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा कल्याण करो, हमारे साथ संयुक्त हो, हमारे साथ रहे, जो भी है कल्याण का भाव है इसमें। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो अग्नि है वो हमारे पिता समान है, हमें जन्म देने वाले हैं, हम उनके निकट रहें और हम उनके संसर्गी हों, उनसे संयुक्त हों, उन्हें अच्छी प्रकार से जाने, वे हमारा कल्याण करें। जी ओम खम्ब्रम। बहुत सुंदर व्याख्या करी आपने, तो पुलकित ये करो, इस तरह से व्याख्याएं पहले भी की हैं, तो अपनी व्याख्या भर के क्लिप भी निकाल करके अपने यूट्यूब चैनल पर डालते जाओ, ये भी बने कि हाँ तुम व्याख्या कर रहे हो, कर सकते हो, जैसा भी कर रहे हो, धीरे धीरे ही विकास होगा। हम ये नहीं कह सकते तुम्हारी आयु में हम आज ऐसी व्याख्या कर रहे होंगे, उस समय हो सकता है हम इतना अच्छा भी ना कर पा रहे, तो ऐसे ही प्रयास करते हुए धीरे धीरे बहुत अच्छा भी हो जाएगा। तुम्हारी आयु की दृष्टि से तुमने जो भी किया बहुत अच्छा है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रयास किया करो, इस तरह से व्याख्या करते रहो और अपने चैनल पे उसको देते रहो, तो एक बने कि हाँ भाई तुम भी व्याख्या कर रहे हो हमारे साथ साथ, अच्छी बात है। और किसी को और कोई प्रश्न हो, कोई विचार आया हो, कोई चर्चा करनी हो तो कर सकते हैं। गुरु जी एक प्रश्न। हाँ बोलिए। ये हम लोग जो ओम खरम
खम ब्रह्म बोलते हैं, खम का अर्थ क्या है यहाँ? और ब्रह्म मतलब तो पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स को बोल रहे हैं, एक ईश्वर जो देवता जिनको हमें कहते हैं वो सुप्रीम पावर गॉड, तो खम क्यों उसमें लगा रहे हैं? मतलब मुझे इसका थोड़ा सा बताइए मुझे तो, क्योंकि मैं देखिए नियमित रूप से वेद कक्षा से तो जुड़ नहीं पाती हूँ, कभी कभार कोई एकाध क्लास करती हूँ या कभी वो यूट्यूब में देख लिया, अन्यथा इसमें भी मैं जुड़ नहीं पाती हूँ, तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि ओम खम ब्रह्म क्यों बोलते हैं। जी हम बताते हैं इसकी पृष्ठभूमि एक तो जान लें, ये ओम खम ब्रह्म जो हम लोग बोलते हैं ये यजुर्वेद का अंतिम मंत्र का अंतिम भाग है, ठीक, ये भी हमें जानना चाहिए। कक्षा के समापन पर ओम मंत्र बोलते हैं, यजुर्वेद के अंतिम मंत्र का अंतिम चरण वो भी है। यजुर्वेद का अंतिम मंत्र पूरा का पूरा एक बार बोल देता हूं, सुन लीजिए, पूरे मंत्र की व्याख्या यूट्यूब चैनल पर है, आप वहां से ले सकते हैं, और पुस्तकों में पीडीएफ किसी भी रूप में उपलब्ध है वो भी देख सकते हैं। मंत्र है ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ओम खम ब्रह्म। ओम मंत्र के रूप में इसका उत्तरार्ध हम लोग बोलते हैं, ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ओम खम ब्रह्म। इतना हम लोग ओम मंत्र के रूप में सामान्यता बोलते हैं कक्षा के समापन पर। इसी का अंतिम भाग है जो हम लोगों ने बोला ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। तो ओम हम जानते हैं परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, और वेद का समापन करते हुए अंत में यही कहा गया, ओम कृतोस्मर हे कर्मशील, ओम का स्मरण करो, ओम खम ब्रह्म, ओम सर्वव्यापक ब्रह्म है, ठीक है ना। ब्रह्म का अर्थ है बड़ा, वृद्धिशील, सबको बढ़ाने वाला, हम उसे ब्रह्म क्यों कह रहे हैं, ये भी गुणवाची नाम है, ओम उसका मुख्य नाम है, ब्रह्म भी गुणवाची नाम है, वो वृद्धिशील है, सबकी वृद्धि करने वाला है, सबको बढ़ाने वाला है, तो इसलिए हम उसे ब्रह्म कहते हैं। खम शब्द का अर्थ, खम को दो रूपों में लिया जाता है, एक तो अव्यय के रूप में माना जाता है, खम का अर्थ है व्यापक सर्वव्यापक, कहीं कहीं कहा गया है आकाशवत सर्वव्यापक, तो खम का एक अर्थ आकाश अव्यय के रूप में लिया गया है, खम का अर्थ सर्वव्यापक आकाशवत सर्वव्यापक अव्यय के रूप में लिया गया है, खू धातु का अर्थ है शब्द करना, तो खम शब्द को हम इस खू धातु से ग्रहण करते हैं, व्याकरण के अनुसार खू धातु से खम शब्द बन सकता है, इसके लिए कोई गंभीर व्याकरणाचार्य से आप उनके तमाम पढ़ने सूत्र आदि आदि वो आपको बताएंगे, हम आपको सरलता से केवल इतना ही बताते हैं कि खू धातु से खम शब्द बन सकता है व्याकरण के नियम के अनुसार, खू धातु का अर्थ शब्द करना है, तो खम शब्द का अर्थ हुआ शब्द वाणी। तो ओम खम ब्रह्म, ओम शब्द ब्रह्म है, इसका एक अर्थ आप इस प्रकार भी ग्रहण कर सकते हैं, ओम शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म सर्वव्यापी है, अनादि है, अनंत है, निराकार है, तो ओम शब्द में उस ब्रह्म को हम अनुभव कर सकते हैं, ओम शब्द के रूप में उस ब्रह्म परमेश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं, ओम शब्द ब्रह्म है, जैसे ओम परमात्मा सर्वव्यापी निराकार अनादि अनंत ब्रह्म है, तो कहते हैं ओम जो शब्द है यह ओम शब्द भी ब्रह्म है, ओम खम ब्रह्म का ये अर्थ यदि आप समझ सके हो तो अच्छा है, अन्यथा और भी चाहे तो प्रश्न कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे कि हम आपको संतुष्ट करें। ओ धन्यवाद गुरु। और किसी को कुछ कहना हो, प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं, बताएं।
जी बोलिए, कोई और प्रश्न हो तो फिर समापन भी कर सकते हैं। देख लो पुलकित, कोई प्रश्न चर्चा करनी है तो कर सकते हैं, नहीं तो समापन करें। ठीक है, यदि किसी का प्रश्न नहीं है तो फिर समापन करते हैं जी। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्, ओम खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्, ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्कार। सायंकालीन वेद कक्षा में सायंकाल 7:30 बजे हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म।